एंटरप्राइजेस, आज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जो अपना वीडियो में किचन वगैरह दिखाऊंगा, तो यहाँ चलते हैं। तो आज की किचन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस किचन में आपको बहुत फिटिंग मिलेगी अलग अलग तरह की, और किचन जो आप देखोगे वो काफी अच्छी किचन है, अलग किचन है, डिफरेंट किचन है, क्योंकि उसमें कहीं पे एक्रेलिक लगा है, तो कहीं पे नीचे ग्लॉस मास्टर लगा है, कहीं पे हैटिक क्राउजर लगा है, तो कहीं पे आपका चिमनी लगी है ब्लॉक पंप की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य त्यागी, स्वागत है आपका इंटाटी डिजाइन में, और आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। तो ये फिटिंग जो आपको देख रहे हो आप, ये अपना प्लम का फिटिंग आता है, बाइफोल्ड अपने अपने दरवाजे हैं, और इसके ऊपर जो आप देखोगे ना, ये हमने एक्रेलिक लगा रखा है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम एक्रेलिक वाला भी दिखाएंगे इसमें, और इस किचन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो ये वीडियो हमारे साथ पूरी देखनी है आपको। तो ये जो आप डोर देख रहे हो, इस पर एक्रेलिक लगा हुआ है अपना, अंदर आप देखो ग्लास शेल्फ डाल दिया हमने, और उसके साथ एक स्पॉटलाइट दे दिया, क्योंकि ऊपर जो है कोई स्टोरेज नहीं है, तो ये स्पॉटलाइट यहाँ पे बहुत ईजिली लग सकता है। फिटिंग यहाँ पे ब्लम का लगा हुआ है, बाइफोल्ड का फिटिंग जो आप देखोगे वो सबसे अच्छा ब्लम का आता है, ब्लम इंडिया में हैफले के अंडर काम करता है, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा, पर ये सॉफ्ट क्लोजली बंद हो गया, देखा आपने, तो इसका मोशन था वो सॉफ्ट क्लोजली बंद हो गया। आफ्टर दैट चले कि इधर भी हमने एक बाइफोल्ड लगा दिया है, सबसे पहले मैं आपको ओवरहेड दिखाऊंगा सारे, उसके बाद हमारा ये शटर है, रोलिंग शटर, तो वो आप देखोगे वो हमने रिहाउ का रोलिंग शटर लिया है, इसमें हमने फिर से ग्लास शेल्फ डाल दिया है, इसमें भी हम लाइट का प्रोविजन ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, आप प्रोफाइल लाइट एज वेल एज स्पॉट लाइट कुछ भी लगवा सकते हैं, दो हमने शेल्फ डाल दिया है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरेज है। जो शटर का साइज आप देख रहे हो वो 600 mm का है, 2 फिट का, और इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलता हूं, इसका जो MRP है वो 37,000 का MRP है, रिहाउ इसका मेक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में बात करूं तो ये अपना बिल्ट इन माइक्रोवेव लगा हुआ है, बिल्ट इन अवन लगा हुआ है, ब्लॉक पंप का है, ये हैटिक के साथ काम करता है इंडिया में, वहां से आप इसको ले सकते हो। और ये जो हमारा लिड स्टे हो गया, ये हमने फिर गोदरेज का लगा दिया है, क्योंकि वैरायटी ऑफ फिटिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं, तो ये हमने गोदरेज का लगा दिया है। इसके बाद जो पेंट्री मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाई है, ये हमारा ग्लास पेंट्री हो गया, और वैरायटी दिखाने के लिए मैंने इस पेंट्री में भी आपका ग्लास जो अपनी शेल्फ डली हुई है उसके साथ आप देखोगे, ये तो ग्लास शेल्फ हो गई है, लेकिन ये SS की शेल्फ भी हमारे यहाँ लगी हुई है, ठीक है, वो भी इसमें डिफरेंटली आती है, लेकिन हमने यहाँ पे लगाई है ताकि आपको पता चले कि SS पेंट्री और ग्लास पेंट्री में क्या फर्क होता है। इसके बाद बात करते हैं GTPT, तो ये ग्लास के प्लेट ट्रे आपने लगा दिया है, GTPT का मीनिंग ही ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे होता है, ताकि अपना ग्लास वगैरह रखे, पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, आप इसको इजीली यहाँ स्लाइड कर सकते हो, और उसके बाद इस शटर को बंद कर देंगे, राइट। इसके नीचे अपना सिंक आएगा, इसके नीचे अपना जो सिंक आएगा, यहाँ पे कोई सिंक नहीं है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन है, जहाँ पे मैं आया हूँ इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन बना रखा है, तो यहाँ पे कोई सिंक नहीं है, यहाँ पे सिंक लगवा सकते हो आप, और जब सिंक आएगा तो ये डिशवॉशर यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इनबिल्ट डिशवॉशर हमने दिखाया है, उसके साथ एक जो जगह बची है उसमें एक शटर दे दिया है, यहाँ पोर्टल पुल आउट भी लगा सकते हो, और ये जो डिश वॉशर है ये हमारा फिर से ब्लॉक पंप का है, आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल कन्फाइंडली यहाँ पे लग गया है, थोड़ी सी भी जगह आपको गैपिंग नहीं दिखेगी, जो इनका कार के साथ है, ये भी हमारा बिल्कुल इनबिल्ट है। और इसी के साथ हम अंडरबिनेट काउंटर की बात करेंगे, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये हमने दो विकर ले लिया 600 mm का, हैटिक का हमारा विकर है, जिसकी MRP है करीब 9,120 रुपये, इसकी MRP है, जो इस पर डिस्काउंट मिलेगा वो एरिया पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा आता है खाली बास्केट, प्लेट बास्केट, तो हमने जो यहाँ पे आप शटर देखोगे ना, ऊपर तो आपने देखा था एक्रेलिक लगा हुआ था, लेकिन नीचे ग्लॉस मिस्टर लगा हुआ है, जो PU पैनल्स आते हैं मरीनो के, और इसके साथ हमने J प्रोफाइल ली है,
जे प्रोफाइल भी लगा सकते हो, आप जी प्रोफाइल भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई से लगा सकते हो। अंदर की मैं बात करूं तो यहाँ पे थाली प्लेट स्टैंड है, जिसमें थाली और प्लेट एडजस्टेबल आपके वो दिए हुए हैं क्लैंप, आप इधर इसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, और सेम चीज आप नीचे भी कर सकते हो। मोर ओवर बात करें कटलरी की, तो हमने कटलरी ले रखा है इधर ब्लम का, जो इधर इनोटेक आपने देखा था वो था आपका हैटिक का, ये हैटिक है जिसमें कि कुछ इस तरीके से इसका इनोटेक आता है, और ये आपका ब्लम है आप देख सकते हो, इसको टेंडम बॉक्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली बोल देते हैं। तो ये ब्लम का है और इसके अंदर कटलरी भी ब्लम का लगा हुआ है, प्लास्टिक कटलरी लगा हुआ है 900 के साइज का, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने लिया है ये हो गया अपना चिमनी हो गया, सारी चीज 900 के साइज के लिए है, वो चीज हमने लगाई है। अच्छा, इसके बाद नीचे की बात करूं तो ये हमने फिर से दिखा दिया है, वहां पे आपने देखा होगा उस हैटिक के इनोटेक में अपनी जो ये आ रही है इसके ऊपर जो ये बाउंड्री है वो गोल है, राउंड है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखी है वो स्क्वायर दे रखी है, क्योंकि ये ब्लम का है, ये अलग तरीके से डिजाइंड है। इसके नीचे एक और अपने स्टोरेज हो गया ऐसी, और ये छोटी एसएस की कटलरी है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद बात करूं मैं यहाँ पे ये बॉटल पुल आउट दे दिया है, जो हम वहां पे भी दे सकते हैं उसके साथ, एक छोटा बॉटल पुल आउट है आपकी छोटी बॉटल सॉस वगैरह की इजीली इसमें आ सकती है, आप अपडेट हो सकती है। मोर ओवर इसके बाद बात करूं कॉर्नर की, कॉर्नर बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हो आप लोग भी कि कॉर्नर कौन सा लगाना चाहिए कैसा लगाना चाहिए। अभी हमने एस ट्राउजर लगाया हुआ है, एस ट्राउजर आपका जो लगा हुआ है ये हैटिक का लगा हुआ है, नॉर्मल क्लोज है, सॉफ्ट क्लोज नहीं है। इसका एमआरपी भी मैं आपको बता देता हूँ, करीब आपका 25,474 रुपए का एमआरपी है। अच्छा, इसके बाद बात करें ये चिमनी की, चिमनी का फंक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चिमनी है आप देख रहे हो ब्लॉकॉम की है, ठीक है, आप हैटिक के अंदर इसको परचेज कर सकते हो, ये आप मोशन सेंसर चिमनी है, अगर आप इधर से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, आप देख सकते हो किस तरीके से इसके फ्लैप खुल रहे हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती है और चलने में तो काम अच्छा करती ही है। और इसको ऐसे ही हम बंद कर दें, राइट, उसी का ये हमने चूल्हा जो लिया है जिसे बिल्ट इन हॉब भी कहते हैं, अभी हमने बिल्ट इन हॉब इसको बिल्ट इन नहीं करा है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन वर्लपूल का ये चूल्हा है, क्योंकि वैरायटी ऑफ फिटिंग्स मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो ये वर्लपूल का चूल्हा है, ये लगा हुआ है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो, और इसको बिल्ट इन कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो स्पेस है उसमें बिल्ट इन कर सकते हैं, लेकिन ये डेमोंस्ट्रेशन है इसलिए बिल्ट इन नहीं करा गया, आप लोग इसको बिल्ट इन लगवा सकते हो, बिल्ट इन चूल्हा ही है। ये तो रही हमारी किचन की बात, लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने वार्डरोब आपको पहले भी दिखाई थी, तो अब जो वार्डरोब मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें थोड़े से डिफरेंट फिटिंग्स भी आ गई, क्योंकि आपको एक कंपनी पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, कुछ अलग भी देख सकते हो, कुछ अलग भी प्रोक्योर कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना है हैटिक इज अ प्रीमियम ब्रांड, या जैसे हैवले हो गया, तो मैं आपको अलग अलग फिटिंग की अलग अलग ब्रीफ हर फिटिंग में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वार्डरोब देख लेते हैं, ये छोटा सा हमने ट्राई एंड प्ले करा हुआ है डेमोंस्ट्रेशन के साथ, जिसे आप अपनी किचन भी बनवा सकते हो लाइटिंग के साथ, काफी अच्छा सा लग रहा है ये। अच्छा, अभी वार्डरोब की बात करूं, जो हमारा वार्डरोब का डेमोंस्ट्रेशन आप देख रहे हो, ये दोनों एक्रेलिक में, यहाँ पे हमने वहां पे हमने एक्रेलिक प्लस ग्लॉस मिक्सर लिया था, यहाँ पे हमने दोनों एक्रेलिक दिखा दिया है, ये डार्क और ये कॉम्बिनेशन, आप कुछ भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन हमने यहाँ पे डार्क और लाइट एक्रेलिक ले लिया है जो आपको ग्लास का ही फील दे रहा है। अच्छा, अंदर की बात करता हूँ अगर मैं, तो अंदर यहाँ पे भी मोशन सेंसर लाइट है, जैसा आप देखोगे मोशन सेंसर, इसके साथ हमने जो हैंगर था आपको पहले भी दिखाया, और ये हमारा हैंगर जो है इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसका एमआरपी है करीब 4800 रुपए का, हैटिक का हैंगर है, ये भी केजी हिसाब से आता है, केजी वेट के हिसाब से आता है। एंड अगर मैं उधर साइड में आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हो प्रोफाइल लाइट का प्राइसिंग है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके डिफरेंट साइज आते हैं और डिफरेंटली उसके अकॉर्डिंग भी इसका प्राइस होता है, तो वो भी आप देख सकते हो, पिक कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम अपना ट्राउजर रैक पे, ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसका एमआरपी भी मैं आपको बता देता हूँ, ये करीब अपना ये 3 फीट में है, 900 में है, और इसका एमआरपी है 13,800 रुपए। अब आते हैं ऑर्गेनाइजर पे, मैंने आपको पहले भी ऑर्गेनाइजर दिखाया हुआ है, लेकिन इस बार मैं आपको जो ऑर्गेनाइजर दिखा रहा हूँ उसमें कुछ क्लोज्ड स्टोरेज भी है, जिसे आप खोल के फ्लैप कर बंद कर सकते हो। एंड मोर ओवर इसका प्राइस जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये 12,200 रुपए का है, एप्को कंपनी का ऑर्गेनाइजर है ये।
फिर आती है हमारी ट्राउजर की फिटिंग, जो हम क्या कहते हैं ट्राउजर रखने के लिए विकर यूज करते हैं, गारमेंट विकर हो गई एक तरीके से। ये भी आपको का है हमारा 12,300 रुपए का एमआरपी है इसका। इसके बाद ये दूसरी फिटिंग आ गई, ये भी आपको का है हमारा और ये 14,500 का है इसका एमआरपी। तो ये तो हमारी वार्डरोब थी जो शटर वार्डरोब थी, लेकिन इसके साथ हमारे पास स्लाइडर वार्डरोब भी है जो हैटिक की फिटिंग के साथ है, जिसमें हैटिक सॉफ्ट क्ले स्लाइडर लगा हुआ है फिटिंग। और ये प्रोफाइल आप देखोगे ना, ये भी हैटिक का लगा हुआ है। तो ये अपना हैंडल प्रोफाइल आता है जिसका एमआरपी है करीब 2,219 रुपए। तो ये भी आप लगवा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है और एक बड़ा लुक देता है अपनी अलमीरा को। अगर मैं इसको खोलूं तो अभी ये तेज खुला है, लेकिन अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये सॉफ्ट क्लोजली बंद होगा। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये खुल रहा है तो सॉफ्ट क्लोजली क्यों नहीं खुल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब इसे खोलोगे तो आप हार्डली इतना खोलोगे, उसके बाद ये अपना चला जाएगा। लेकिन बंद करते समय सब लोग तेज से बंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज दिया जाता है। अच्छा, वार्डरोब की बात करें तो यहाँ हमने सिर्फ हैंगर रॉड दिखा दिया, लेकिन रिकमेंड हम यही करते हैं 8 फीट की हाइट के लिए हम अपना लिफ्ट यूज करते हैं, क्लोथ लिफ्ट, ठीक है। उसके बाद मैं देखूं आपको, ये चीज मैंने पहले भी दिखाई है लेकिन वो बड़ा साइज था और फ्रेम के साथ था। ये विदाउट फ्रेम है, करीब 2x1 का साइज है और एप्पो का है। इसका एमआरपी है 2,950 रुपए। आप इसको भी लगवा सकते हो क्योंकि वो साइज था करीब 900 का। तो आपकी जो अलमीरा होती है, ये तो बड़ी बड़ी अलमीरा है, जो अलमीरा होती है उसमें 36 इंची का साइज होता है और रॉड के बाद 36 से कम ही बचता है। तो आप उसको इसको वहां पे लगवा सकते हो। अब ये अगेन आयरन स्टेशन है, जिसका प्राइस भी आप बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था। तो ये मैंने आपको खोल के तो बहुत बार दिखा दिया, एक बार और दिखा देता हूं। ये अपना आयरन स्टेशन है और इसका प्राइस आप देख सकते हो, ये भी आपको का है 7,480 रुपए। इसके बाद जो फिर से ये अपना ट्राउजर फिटिंग हो गया, और ये लेकिन साइज आपका 600 mm में है जो कि 2 फिट होता है, और इसका प्राइस है एप्को का 4,390 रुपए एमआरपी। ये अपना सॉफ्ट क्लोज भी बंद हो गया। इसके जो शटर्स हैं, इसमें भी हमने कॉम्बिनेशन बना दिया है अपने हिसाब से, ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए आप भी सोचते होंगे कि स्लाइडर में ये प्रॉब्लम आती होगी। इधर जो आप देखोगे ना, एक सील लगी हुई है। स्लाइडर्स में ज्यादातर क्या होता है कि गैपिंग आ जाती है, उससे प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये सील लगी हुई है। ये पर्टिकुलरली सील भी फिटिंग के हिसाब से, कि आप कौन सी कंपनी की फिटिंग ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, इस शटर को मैं दिखाऊं आपको। ये एक नॉर्मल जो वार्डरोब होती है वो हमने ले लिए, ऊपर अपना रॉड भी आप लगा सकते हो क्लोर लिफ्ट, नीचे हमने नॉर्मली सेक्शन दे दिए हैं, पार्टीशन दे दिए हैं। इसके साथ आप ड्रॉअर भी बना सकते हो, कुछ बना सकते हो, ये सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए हो गए। तो ये सारा मैंने आपको दिखाया अपना वार्डरोब और किचन, ठीक है। पहले बहुत सारी चीज थी कि किचन जो था उसमें सिर्फ एप्पो लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो चीज जिस कंपनी की बेस्ट आती है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। और ऐसा नहीं है बाकी चीजें भी अच्छी आती है, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्टेन चीजें पिक करके आपने लगाई है। और आपको एक्रेलिक में क्या डिफरेंस होता है, एक्रेलिक के साथ आप ग्लॉस मिस्टर में जाओगे तो क्या डिफरेंस होता है, एक्रेलिक के साथ एक्रेलिक कैसी लगती है, ये सारी चीजें मैंने दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी है आपको। तो मुझे लगता है कि वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो मैंने बनाई कहाँ पे है। ये वीडियो मैंने बनाई है लक्ष्मी एंटरप्राइजेस पे, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका इंटीरियर के लिए। आप आके देख सकते हो यहाँ पे कोई भी चीज, इंदिरापुरम में है, इनके ओनर भी बहुत अच्छे हैं, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। आप मेरा नाम भी लीजिएगा, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, तो आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियो तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर ही दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, और मैंने एक चीज़ देखी है, बेल बटन आप दबाना शायद भूल जाते हैं तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो वो ज़रूर दबा दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छा लगा होगा आपका वीडियो, और ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।